अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनकी विवादित अमेरिकी मैक्सिको सीमा दीवार योजना के लिए 5.7 अरब डॉलर की राशि आवंटित करने से इनकार किए जाने के बाद शीर्ष डेमोक्रेटिक नेताओं नैन्सी पेलोसी एवं चक शुबर के साथ बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। इससे पहले ट्रंप ने विपक्षी पार्टी के धन आवंटन के लिए राजी नहीं होने से राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की धमकी दी थी ताकि वे अवैध आवर्जकों को देश में आने से रोकने के लिए दीवार या अवरोधक बनाने की अपनी योजना को क्रियान्वित कर सके। रूस ने भारत की अफगानिस्तान में विकास के विभिन्न कार्यक्रम चलाने के लिए तारीफ करते हुए कहा है कि वहाँ भारत की अत्यावश्यक भूमिका है। युद्ध से तबाह अफगानिस्तान में भारत के कार्य को लेकर रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयापोव की टिप्पणी तब आई है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका का मजाक उड़ाया था। फर्जी डिग्री रखने के आरोप में पाकिस्तान ने अपने देश के 16 पायलटों और 65 केबिन क्रू का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन नियामक ने इस बात की जानकारी दी है। नियामक ने बताया है कि पाकिस्तान में कार्यरत विभिन्न एयरलाइंस के 16 पायलटों और 65 केबिन क्रू के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने अल अजीजिया स्टील मामले में अपनी कैद की सजा को निलंबित करने की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तय की है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शरीफ की अपील पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति अमीर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर की 2 सदस्यीय पीठ की गठित की है। यही पीठ शरीफ की सजा को निलंबित करने की मांग संबंधियों की याचिका पर भी सुनवाई करेगी। 24 दिसंबर 2018 को एक जवाबदेही अदालत ने अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ को 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। अमेरिका और रूस की ओर से अफगानिस्तान में सुलह प्रक्रिया के लिए तालिबान से संपर्क करने के बीच अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने गुरुवार को कहा कि उनका देश चाहता है कि शांति के सभी प्रयासों में भारत साथ रहे और अन्य देशों से अलग रहकर अपने दम पर भी बहुत कुछ कर सके। रैसीना डायलॉग में यहां करजई ने कहा है कि अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए पाकिस्तान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान शानदार और रोमांटिक संबंध साझा करते हैं जो उम्मीदों को अवास्तविक स्तर तक बढ़ाता है। वहीं रूस ने कहा है कि भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणालियां देने में कोई देरी नहीं होगी और इस सौदे के लिए भुगतान के तरीके पर काम किया जा रहा है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्जेई रयापोव ने कहा है कि मिसाइल प्रणालियां भारत की वायु रक्षा क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी करेंगी। पिछले सप्ताह सरकार ने लोकसभा को जानकारी दी थी कि उसे अगले वर्ष अक्टूबर में रूस से मिसाइल प्रणालियां मिलनी शुरू हो जाएंगी और अप्रैल 2023 तक आपूर्ति का काम पूरा हो जाएगा। भारत ने पिछले साल अक्टूबर में रूस के साथ 40,000 करोड़ रुपए की लागत से मिसाइल प्रणालियां खरीदने का समझौता किया था। अमेरिकी चेतावनी के बावजूद भी भारत ने ये सौदा किया था। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर इमरान खान की सरकार ने खासी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी कर चैनलों पर कपल के बीच इंटीमेट सीन बेड सीन दिखाने पर पाबंदी लगा दी है। PEMRA का कहना है कि इन दिनों टीवी पर महिलाओं से संबंधित काफी प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं और ऐसे बोल्ड थीम से दर्शक काफी नाराज हो सकते हैं। चैनलों को गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करने का आदेश दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई नेताओं की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। दक्षिणपंथी समूहों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि शेख हसीना सरकार सख्त इंटरनेट कानूनों का उपयोग असंतुष्टों की आवाज दबाने के लिए कर रही है। बांग्लादेश साइबर ट्रिब्यूनल के एक न्यायाधीश ने मुनीर हुसैन नामक व्यक्ति को यह सजा सुनाई। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रोनिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मुद्रा अदला बदली सहायता से देश के गिरते विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। विक्रमसिंघे ने संसद को बताया कि RBI दक्षेश मुद्रा अदला बदली कार्यक्रम के तहत हमारे केंद्रीय बैंक को 40 करोड़ डॉलर देने पर सहमत हुआ है। वे इससे भी बड़ी राशि देने पर विचार कर रहे हैं। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने कहा था कि रिजर्व बैंक उसे दक्षेश मुद्रा अदला बदली व्यवस्था के तहत उसे 40 करोड़ डॉलर देने पर सहमत हुआ है।
उम्रदराज वयस्कों के फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर युवा लोगों की तुलना में फर्जी खबरें साझा करने की अधिक संभावनाएं होती हैं। यह खुलासा एक अमेरिकी अध्ययन में किया गया है। ये अध्ययन जर्नल साइंस एडवांसेस में प्रकाशित किया गया है। इसमें कहा गया है कि 9% से कम अमेरिकियों ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान फेसबुक पर फर्जी खबरों के लिंक साझा किए।